रायगढ़ राजवंश की अनोखी परंपरा। छत्तीसगढ़ में आज भी देवी देवताओं का अस्तित्व विद्यमान है। कला, संस्कृति, धर्म परंपराएं, लोगों की आस्थाएं और धर्म पर अटूट विश्वास, यही है छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहाँ का लोक जीवन। रायगढ़ से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर वनों से आच्छादित सुरम्य घाटियों से घिरा ग्राम कर्मागढ़, जहाँ विराजती है रायगढ़ राजवंश की कुल देवी माँ मानकेश्वरी देवी, जहाँ की अनोखी पूजा विधि, लोगों की मान्यताएं और उनका विश्वास। दशहरा पर्व के बाद शरद पूर्णिमा के दिन कर्मागढ़ में माँ मानकेश्वरी देवी की विशेष हवन पूजा के बाद यहाँ के पुजारी पर देवी की सवारी, जिसे बैल की सवारी कही जाती है, और इस पैर सवार बैगा को बकरों की बलि दी जाती है। हवा में लहराता खड़ जैसे बकरे के धड़ पे पड़ता है, उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है एवं धड़ को उठाकर बैल सवार बैगा उसके रक्त का पान करता है। यह बकरों की बलि इस दिन दी जाती है और हर बकरे के रक्त का भक्षण बैगा करता है। यह एक विस्मित करने वाला नज़ारा होता है। माँ मानकेश्वरी के प्रति आज भी लोगों में वैसी ही आस्था है जैसे सैकड़ों वर्ष पहले। जैसे जैसे शाम गहराती जाती है, यहाँ आस्था एवं परंपराओं का सागर हिलोरे मारने लगता है। कर्मा के थाप पर थिरकते लोग, मेले, हाट बाजार की रौनक और माँ मानकेश्वरी के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा एवं विश्वास, मेले का आनंद लेते क्षेत्र से आए विशाल जनसमूह यहाँ आकर अपने आप को सामाजिक एवं धार्मिक दोनों रूपों में तृप्त करता है। वर्ष में एक बार होने वाला ये आयोजन मात्र एक मेला ही नहीं, लोगों की आस्थाओं, मान्यताओं एवं सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा आयोजन है। ज्यादा व्यक्तियों को नहीं, और बढ़ते जाते हैं, ज्यादा व्यक्तियों को हटाने जाते हैं, ग्रहण देंगे, मंदिर ज्यादा व्यक्तियों को आने जाते हैं।